अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हाय फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहां रहें खुश रहें आबाद रहें। लें जनाब, एक वीडियो आज आपको देने लगा हूं। बहुत से दोस्त इस वक्त परेशान हैं कबूतरों की बीमारी की वजह से। कबूतरों की बीठे ठीक नहीं हैं, दाना हजम नहीं कर रहे, सुस्त हो रहे हैं, सूखते जा रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां। तो ले जनाब, इसके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त एक फार्मूलेशन हाथ आई है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो आज आपको बताने लगा हूँ। आपने इंजेक्शन लगाना है कबूतर को, इंजेक्शन लगाना है। पहले आपको दिखाता हूँ इंजेक्शन, फिर उसको इंजेक्शन को बनाने का तरीका भी बताऊँगा और इंजेक्शन लगाने का तरीका ये आपको पहले बताता हूँ। तो ये देखें, ये एक बच्चा है, अभी तो ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, ये पिछले दिनों काफ़ी सुस्त हो गया था। एक बात आपको बता दूं कि इसका जो पीरियड है कि आपने इसको कितने दिन लगाना है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके परिंदे की क्या पोजीशन है। अगर तो आपका परिंदा आपने जल्दी देख लिया कि ये अभी ढीला हुआ है और दाना नहीं खा रहा, तो एक या दो दिन में ही परिंदा ठीक हो जाएगा। और अगर आपने अलगर्जी की है और परिंदे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, तो फिर आपको 5 से 7 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके परिंदे ठीक रहेंगे, मरेंगे नहीं, क्योंकि ये मैंने टेस्ट करके देख लिया है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें जी, ये रंग बनेगा इंजेक्शन का, ये कलर बनेगा। ये एक बोतल में, आप शीशे की बोतल लीजिएगा ताकि ज़्यादा अरसे तक चलती रहे, छाँव में रखें, मौसम ठीक हो चुका है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये इंजेक्शन है, मैं इंजेक्शन भरता हूँ और 1 cc लगाना है आपने सीने की गोश्त में, ठीक है। मैं इंजेक्शन भर के आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले तरीक़ाकार देख लें। तो कुछ उस्ताद साहिबान ऐसे हैं जो कबूतर को पलटते हुए भी डरते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इंजेक्शन लगाते हुए भी डरते हैं। तो प्यारे भाई, अगर शौक करना है ना, तो उसमें कबूतर को पलटना भी मजबूरी बन जाता है किसी वक्त, और कबूतर को इंजेक्शन लगाना भी मजबूरी बन जाता है किसी वक्त, ठीक है जी। तो ये जनाब 1 cc की सिरिंज है, छोटी सिरिंज ऐसी ही लेनी है आपने, क्योंकि ये बेजुबान परिंदा है और अपनी तकलीफ़ बता नहीं सकता, लेकिन हमें चाहिए कि हम इसकी तकलीफ़ को महसूस करें, ठीक है। एक आदमी का प्रोसीजर है, आपको दिखा रहा हूँ, इंजेक्शन लगाना कोई मुश्किल नहीं है। आपने परिंदे को इस तरह से पकड़ना है कि इसकी जो पैर है ना, ये उस साइड पे हो, सर आपकी तरफ हो, और इस एंगल में आपने इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। क्योंकि इसकी अब लॉजिक आपको समझा देता हूँ कि इसके जो पर है ना, ये इधर की तरफ निकले हुए हैं, ये देखें, ये यहाँ से निकले हैं और इधर जा रहे हैं। इसका मतलब इसके जो स्किन के पोल्स होंगे ना, वो इस साइड पर होंगे। तो बेहतर यह है कि आप इंजेक्शन इस तरह से इसको लगाएंगे, ठीक है जी। अब तरीक़ाकार देख लें, ये सीने की हड्डी इस तरह से आपने पहले इनके जो पर हैं उसको साइड पे कर लेना है, ठीक है। ये हड्डी है, ये आपने पर साइड पे किए, और यहाँ आपको ये इसका गोश्त मिल जाएगा, हाथ लगा के देख लें, ठीक है जी। अब जो मैंने आपको तरीका बताया कि आपने इस साइड से इस तरह से इंजेक्शन नहीं लगा देना कि इसकी हड्डी में जाके सुई लग जाए, बड़े आराम से आपने इसको यहाँ से, ये आपने नीडल इंजेक्ट की इस तरह, ये, और ये आपने इसमें सारी जो दवाई है आराम आराम से, ये आराम से आपने इसमें दवाई इंजेक्ट कर दी, और जिस एंगल पे आपने इसको इसमें दाखिल किया उसी एंगल पे आराम से आपने सुई बाहर निकाल ली। अब ये देखें, ये बिल्कुल A1 इसको आपका जो है वो इंजेक्शन वो लग चुका है। इसको हल्का सा हाथ से मल दें, और ये लें जनाब, परिंदा आपका बिल्कुल फ्रेश है माशाल्लाह, ठीक है। तो इस तरीके से एक हाथ से आप बड़े, यानी एक आदमी बड़े आराम से इंजेक्शन लगा सकता है। छोटी सिरिंज इस्तेमाल कीजिएगा और कोशिश करें कि परिंदे को तकलीफ़ ना हो, परिंदा आसानी से इसको इंजेक्शन लग जाए। ले जनाब, ये हो गया जी सिलसिला। अब परिंदे को एक साइड पे करते हैं और आपको जो है वो इंजेक्शन बताना लगा है, जो बनाना है वो बता दें।
लें जी, इंजेक्शन आपको लगाना बता दिया है, आसानी से आराम से लग जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत से लोगों को कहा जाता है यार आप कबूतर में मसला है, आप उसकी पोट पलट दें या कबूतर को उल्टा दें जैसे कहते हैं, लेकिन या साफ़ कर दें, कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो वो कहते हैं जी हमें नहीं आता। कबूतर परवरी में ये जो चीज़ें हैं ये सीखने वाली हैं, ज़रूर सीखें। इंजेक्शन लगाना, कबूतर पलटना, उसको खुराक देना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मजबूरी बन जाती है बाज़ुकात ऐसा काम करना, ठीक है। ये अब इंजेक्शन बना कैसे है ये आपको मैं बता दूं, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो जनाब ये फ्लैजल, ये इसका करीब से एक शॉट दे दो, ये जी फ्लैजल है। आपने इंजेक्शन लेना है, ये इस तरह की बोतल होगी और इसकी आपने क्वांटिटी लेनी है 30 ml। ये 100 ml की होती है, ठीक है जी, ये होती है 100 ml, ये लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसमें से 30 ml लेनी है और एक किसी भी शीशे की या इसी खाली बोतल में आपने डाल लेनी है 30 ml, 30 ml, ठीक है जी। उसके बाद एक आपने ये लेनी है नोविडेट इंजेक्शन, ठीक है, ये भी इसी तरह की बोतल है, ये देखें नोविडेट, ये भी 100 ml की, 100 ml की बोतल है, इसमें से भी आपने 30 ml निकाल लेना है और 30 ml आपने फ्लैजल की जो आपने दवाई निकाली है उसके साथ शामिल कर लेना है। तो फ्लैजल 30 ml, नोविडेट 30 ml, ये दो चीज़ें हो गई। अभी दो चीज़ें और जानी है इसमें, वो भी आपको बता देता हूँ। एक ये है जी मैबिल, ये सिंपल ये हैं ताकत के इंजेक्शन। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप कोई भी ताकत के इंजेक्शन शामिल कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो ताकत के इंजेक्शन हैं ये आप 30 ml में 5 इंजेक्शन अगर आपको ये मैबिल मिलते हैं तो शामिल कर लें। अगर आप नैरो बयान करना चाहते हैं, आप मेथिकोबाल करना चाहते हैं, कोई मज़ायका नहीं है, कोई भी ताकत के इंजेक्शन जो आपको मिलते हैं आप वो ताकत के इंजेक्शन इसमें डाल सकते हैं। 5 आप इंजेक्शन जो है ना वो आप 30 ml फ्लैजल, 30 ml नोविडेट और 5 आपने ताकत के इंजेक्शन उसमें शामिल करने हैं। मैं ये मैबिल इस्तेमाल किए हैं तो मैं यही आपको बता रहा हूँ। ये हो गया जी तीसरा। और चौथा मेरे भाई, वो क्योंकि बिल्कुल एक वो शीशियाँ सी होती हैं तो मैंने वो अभी डिस्पोज कर दी हैं, फेंक दी हुई हैं, मैंने इसमें 2 इंजेक्शन जेटी पार के डाले। जेटी पार 2 इंजेक्शन, आपको कोई भी ऐसे इंजेक्शन अवेलेबल हों जो लंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, फेफड़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, फेफड़ों की बीमारी में मैंने जेटी पार इस्तेमाल किए हैं। आप के लिए कोई भी सूटेबल है, कोई भी अफोर्डेबल है तो जेटी पार तकरीबन 40 रुपए का इंजेक्शन होता है, तो मैंने जेटी पार इस्तेमाल किए 2 इंजेक्शन। अब दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 2 इंजेक्शन जेटी पार, इसमें 2 इंजेक्शन जेटी पार हैं, 5 इंजेक्शन मैबिल हैं, कोई भी आप इंजेक्शन जो है ताकत के ले सकते हैं, 30 ml नोविडेट इंजेक्शन और 30 ml फ्लैजल इंजेक्शन, ये आप दवाई बना लें। जो परिंदे आपको बीमार नज़र आ रहे हैं, सुस्त नज़र आ रहे हैं, दाना नहीं खा रहे, पोट बंद हो रही है, सब्ज़ बीट कर रहे हैं, सुस्त होकर बैठ रहे हैं, आपने सीने के गोश्त में 1 cc, ये जो छोटी सिरिंज होती है ये वाली, ये आपने पूरी 1 cc जो है, ये पूरी सिरिंज एक जो है ये जितनी भी आ जाए ये आपने सीने के गोश्त में लगानी है। और लगाने का तरीका आपको बता दिया है, इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट है। आपको पता है कि मैं कोई भी सुनी सुनाई बात नहीं करता, अपने परिंदों पर इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया तो आपको बता रहा हूँ। लेकिन जी एक बात तो ये हो गई प्यारे भाई,
और दूसरा ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप वीडियो ज़्यादा दिया करें, जल्दी दिया करें। मैं आपसे पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि मैंने आपको जो सही और अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है। आजकल बहुत से चैनल हैं रोज़ाना एक नया पानी, दो गोलियां घोल के और दो गोलियों कुछ माजून बना के, वो मैं देख रहा हूँ आ रही हैं चीज़ें, लेकिन आप मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखें। इस किस्म की इंटरटेनमेंट आप दूसरे चैनल्स पर देखें, मेरे चैनल पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बेहतरीन मालूमात मिलेगी जो आपके फ़ायदे की होगी। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट आपको विद इन वन और टू डेज़ आपको जोड़ के बारे में बताएंगे। हड्डी के बारे में कुछ बता दिया, अब जोड़ के ऊपर बात होगी और आइंदा एक दो वीडियोस में आपको जोड़ के बारे में समझाऊंगा कि जोड़ अगर ऐसा होगा तो परिंदा कैसा होगा, ये भी आपने चेक करनी है एक बात, और बेहतरीन जो है जोड़ वो कैसे होते हैं। तो लें जनाब इजाज़त दें, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।